ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 62। सो इट सेज द कन्वर्जिंग लाइंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिसेस कोइंसाइडिंग। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज फॉल्स ऑन इटसेल्फ। ओके, सो व्हाट इज गिवन? हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, समथिंग लाइक दिस, राइट? कॉन्वेक्स होगा। एंड एक डाइवर्जिंग मिरर है, समथिंग लाइक दिस, ये भी कॉन्वेक्स होगा। एंड जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कॉमन है कुछ इस तरह से। जो फोकल लेंथ है लेंस का वो कितना है? 12। फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर 7.5। जो डिस्टेंस है बिटवीन द लेंस एंड द मिरर दैट इज 5। नाउ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है ओ। नाउ इस ऑब्जेक्ट ओ की जो फाइनल इमेज बननी चाहिए वो इसी ऑब्जेक्ट पे बननी चाहिए। देखो कितनी इमेजेस बनेंगी, इस तरह से रे जाएगी, लेंस से रिफ्रेक्शन होगा, देन इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, देन अगेन लेंस से रिफ्रेक्शन होगा, और जो इमेज है फाइनली इस ऑब्जेक्ट पे ही बन जाएगी। सो दो बार रिफ्रेक्शन होगा और एक बार रिफ्लेक्शन होगा, राइट? सो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बनने की क्या कंडीशन है? अब देखो जितना टफ ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना टफ है नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑटोकॉलिमेशन का। हमारे पास एक लेंस है और यहां पे मिरर है, समथिंग लाइक दिस। ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रे कुछ इस तरह से जाएगी, यहां से रिफ्रेक्शन होगा, एंड देन इस तरह से मिरर पे फॉल करेगी। नाउ जो कंडीशन है फाइनल इमेज के ऑब्जेक्ट पे ही बनने की, वो कंडीशन ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये जो रे है इस तरह से गई है, राइट, अगर इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाए इस तरह से, राइट? बिकॉज रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है ना। सो ये इस तरह से अगर जैसे गई है रे वैसे ही वापस आ जाए तो जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बन जाएगी। देखो एक रे ऐसी गई होगी, यहां से रिफ्रेक्शन के बाद इस तरह से इस मिरर पे गई होगी। सो जैसे गई है अगर ये जो रेज है अपना पाथ रिट्रेस करने लगे, अपने पाथ को रिट्रेस कर ले रिफ्लेक्शन के बाद, राइट, सो जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बन जाएगी। नाउ जो रे है वो अपने पाथ को कब रिट्रेस करेगी? जब ये जो रे है मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करती है। आप देखो इस तरह से अगर हम कहते हैं ये हमारे पास मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है ना, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ अगर जो रे है, जो रेज है इस तरह से आती हैं सच दैट वो इस मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करती हैं। परपेंडिकुलरली कैसे फॉल करेंगी? ये जो रेज है ना ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही होंगी, इस तरह से इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ये जो रे है डायरेक्टली उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ जा रही थी। सो यू कैन सी कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? जीरो, राइट? बेसिकली ये जो रे है इस मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करती है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो। सो जैसी रे आई है, राइट, वैसी ही 180 डिग्री से डेविएट होके वापस चली जाएगी। जैसे आई है इस तरह से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी, नाउ परपेंडिकुलरली फॉल करती है, सो जैसे आई है 180 डिग्री से डेविएट, ऐसे आ रही थी वापस से 180 डिग्री टर्न लेके वैसे ही चली जाएगी, राइट? सो इस तरह से जो रेज है अपना पाथ को रिट्रेस करती हैं। सो यहां पे भी बस वही हो रहा है, ये जो रेज है, ये जो रेज है ये अगर इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होती हैं, राइट, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा, कितने डिस्टेंस पे? इसका जो फोकस है वो है 7.5,
सो यहां से 15, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर ये जो रेज है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ जाती हैं, देन ये जो रेज है अपना पाथ रिट्रेस कर लेंगे। सो वी कैन से कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसने इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई वो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाई। ये डिस्टेंस है बिटवीन लेंस एंड द मिरर, दैट इज 5, ये 5 है और ये जो डिस्टेंस है ये 15 है। सो वी कैन से कि इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई वो कितने डिस्टेंस पे बनाई, 5 + 15 बेसिकली 20। सो इस लेंस के लिए मान लो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड द लेंस दैट इज एक्स, सो इस लेंस के लिए जो यू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस ऑफ एक्स और जो वी हो जाएगा वो हो जाएगा 20। और एफ की जो वैल्यू है लेंस के लिए वो कितनी है, कितना दे रखा था, लेट मी चेक, 12। सो इसे आप ले लो 12। नाउ यूज लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f, 1/20 - 1/-x = 1/12। सो यहां से 1/x की जो वैल्यू है दैट इज 1/12 - 1/20, सो बेसिकली 240 और ये कितना हो जाएगा 8। सो बेसिकली इससे डिवाइड करो सो ये हो गया 30। सो x की जो वैल्यू आ रही है वो 30 है, राइट। सो बस यही पूछा था। सो लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। अच्छा, किसी को ये तो नहीं आ रहा कि क्या हम इस तरह से लेंस और मिरर के बीच में भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट, क्या ये वाला केस भी पॉसिबल है कि आप ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रख दो? अगर आपने ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रखा देन ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बना देगा I1, राइट, रियल इमेज, और ये जो मिरर है ये बेसिकली इस तरह से इसकी वर्चुअल इमेज बना देगा, कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। सो जो इमेज है कभी भी यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड नहीं करेगी। सो एनीवे आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।